करियर दिशा के तहत युवाओं के लिए भाजयुमो मुंबई की अनोखी पहल। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की संकल्पना से युवाओं के भविष्य के लिए करियर दिशा अभियान की शुरुआत की गई है। मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र से इस अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां पूर्व मंत्री श्री आशीष शेलार जी द्वारा मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी एवं अन्य नेताओं की उपस्थिति में हुआ। इस अभियान के तहत कक्षा 10वीं से लेकर 30 प्लस उम्र के लोगों के शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा कि दिशा अगर सही है तो दशा बदलने में वक्त नहीं लगता, और युवाओं को सही समय पर उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो हर असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवानी जी का दिल से धन्यवाद करूंगा, जो हमें मतलब हम जब युवा थे, जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, जो गाइडेंस हमको नहीं मिला करियर गाइडेंस, एक करियर दिशा के माध्यम से उन्होंने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया हुआ उन लोग के लिए। और दूसरी बात ऐसी थी कि जैसे कि मैं अभी ये सेशन में बैठा था तो मैं 100% जानता हूँ कि आज के बाद के युवाओं को नई दिशा और एक नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हम बेसिकली जानते हैं कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट, उसके अलावा करियर अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से, अपने हिसाब से क्या होना चाहिए वो नहीं पता रहता है। तो आज इस करियर दिशा गाइडेंस के बाद जो आज की शुरुआत मुंबई में पहले चांदीवली विधानसभा में प्रवीण भानुशाली और संतोष पालेकर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, आगे जाके ये पूरे मुंबई में सभी युवाओं को नई दिशा और ऊर्जा देगी। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा मुंबई के 36 विधानसभाओं में हम करियर दिशा नामक एक करियर काउंसलिंग कार्यक्रम, उसका एक शुरुआत आज हमने चांदीवली विधानसभा से हमने उसकी एक शुरुआत का बिगुल बजा दिया है। और जैसे आपने देखा कि आज सैकड़ों युवाओं का एक सैलाब यहाँ पर था, और कहीं ना कहीं हम युवक ये सोचते हैं कि मुंबई के जो युवा वर्ग हैं उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, इसमें हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए, इसलिए उनको सही दिशा देने के लिए ये कार्यक्रम मुंबई भर में हमने उसकी शुरुआत आज से कर ली है। और दिसंबर 15 तक मुंबई के सभी 36 विधानसभाओं में हम ये करियर दिशा का जो कार्यक्रम है जिसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, उसे हम लोग पूरे सभी असेंबलीज में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आगे चल के। आपने किस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट देखा इसकी तरफ, क्योंकि ऑनलाइन भी काफी प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह आप उस तरह इंटरेक्ट करते, वो कितना इंटरेस्ट है, देखिए बच्चों का इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा जो हमारे करियर काउंसलर जो सम्माननीय केतन सोनी जी, जो मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलर्स में गिने जाते हैं, वो मुंबई युवा मोर्चा के सब सेशंस लेने वाले हैं। और आज आपने देखा रहेगा किस रुचि से एक इंटरैक्टिव वे में उन्होंने बच्चों को जोड़े रखा अपने पूरे क्लास के अंदर, और एक पढ़ाने का तरीका जिससे टू वे इंटरेक्शन से उन्होंने लोगों को पढ़ाया, और एक हंसी मजाक करते करते ये पूरा सेशंस किया कि बच्चों को भी समझ में आए और उनके पेरेंट्स को भी समझ में आए कि किस दिशा में अपने बच्चों को जाना है और आगे करियर बनाना है। खासकर 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे एक करियर ऑप्शन ढूंढते हैं, इसलिए हमने पैम्पलेट्स के माध्यम से हमारे युवा कार्यकर्ता प्रत्येक बिल्डिंगों में, प्रत्येक घर में जाकर आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स रहते हैं, और उनको पर्सनल इनविटेशन एक किताब के माध्यम से, मतलब हम युवा मोर्चा के माध्यम से किताब बना रहे हैं, जो ये 15 पेज की किताब रहेगी, उसमें आगे इन्विटेशन रहेगा पहले पेज पे करियर दिशा नामक
नामक किताब, और किताब के अंदर जो करियर के बारे में 10वीं 12वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए, ग्रूमिंग के बारे में स्टूडेंट्स के, मोटिवेशन के बारे में, जॉब्स के बारे में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में ऑलरेडी क्लियर और डिटेल्ड मेंशन उस किताब में रहेगा, ताकि बच्चों को उसका फायदा भी हो। मेरा मुंबई के सभी जो युवा वर्ग है, खास करके 10वीं और 12वीं के बच्चों से ये निवेदन है कि युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता आपके दरवाजे तक आ रहे हैं आपसे मिलने, आपसे आह्वान करने कि हम युवक चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए आप भी योगदान दीजिए इसमें और थोड़ा समय निकालकर एक गंभीरता से इस विषय को लीजिए और खुद के स्वयं के करियर के लिए, जो युवा हम बोलते हैं हमेशा कि देश का भविष्य है, तो ये भविष्य को आगे बढ़ाना है हम सबको मिलकर, इवन उसमें योगदान आपका स्वयं का सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सभी युवा वर्ग मुंबई के आगे आकर ज्यादा से ज्यादा इस मुंबई में जहां जहां पे करियर काउंसलिंग का एक करियर दिशा नामक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं उसमें भाग ले और गंभीरता से विषयों के ऊपर चर्चा करें अपने सह परिवार से और उसी दिशा में आगे चले, यही हम सबसे एक निवेदन करते हैं आज। तो आज नवीन बालूसाली ने जिस तरह से यहां पर जगह पे ऑर्गेनाइजिंग में जिस तरह से उनका सहयोग रहा, किस तरह से देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आपका नेतृत्व रहा? मुझे अभिमान है मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण भानुशाली जी, संतोष पालेकर जी दोनों पे, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके प्रत्येक क्लासों में जाकर प्रत्येक स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करके आज एक सैकड़ों की संख्या में, आज आपने देखा रहेगा 800-900 के ऊपर बच्चे यहाँ पर आए थे, तो कम से कम इन्होंने एक पहल छेड़ी है कि हम बच्चों के भविष्य बनाने में अपना योगदान कैसे दे, इसलिए मुझे इन मुंबई का अध्यक्ष होने पर एक अभिमान है इन सभी मेरे युवा मोर्चा कार्यकर्ता का, जो आगे चलकर भी मुंबई में ऐसे सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाने में अपनी मदद करेंगे, अपना योगदान देंगे। जितेंद्र जी, आपको ऐसी कौन सी बात है जो मोटिवेट करती है क्योंकि मुंबई के यूथ के आप आजकल प्रेरणा बने हो, जिस तरह से आप एक्टिव होकर एक के बाद एक बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, यूथ के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कौन है जो आपको मोटिवेट करता है इस कार्य पर? मुझे मोटिवेट करते हैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत और नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जिनको देखकर हम सब युवा मन में इच्छा जागती है कि हमको भी उनके तरह काम करना चाहिए, जमीनी स्तर पे उतरकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर और लोगों का भला करने में एक पहल आगे बढ़ाने में हमेशा हमको आगे रहना चाहिए, ऐसी प्रेरणा मिलती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से मिलती है। ये कार्यक्रम की संकल्पना भी हमें आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा ही मिली है और जितने भी कार्यक्रम जो युवा मोर्चा के माध्यम से मुंबई में होता है, सब ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस का काम पूरा हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ही करते हैं। ये कोविड के पेंडेमिक पीरियड के बाद हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट खुद की करियर की दिशा तय करने के लिए एक स्टेट ढूंढ रहा है कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं, कौन सी दिशा में मेरी करियर तय करूं। हमारे माननीय मुंबई अध्यक्ष श्री तेजेंद्र सिंह तिवाना जी ने हमें मौका दिया कि आप चांदेवली के युवाओं को, स्टूडेंटों को एक ऐसा मैसेज दीजिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आपके साथ है और ये पेंडेमिक पीरियड के बाद आपको आपकी करियर की दिशा तय करने में भारतीय जनता युवा मोर्चा आपको मदद करेगा। ये जो करियर दिशा प्रोग्राम है, इसका प्लानिंग हम लोग कम से कम लास्ट 4-5 मंथ से कर रहे थे, बिकॉज जब से लॉकडाउन के बाद, जब भी वैकेशन के बाद, अभी जो लेटेस्ट अप्रैल मई 2020 के बाद, तेजिंदर जी ने मुझे बताया कि हम लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम करते हैं जिससे यूथ को एक दिशा मिले, गाइडेंस मिले, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट रियली अभी भी ऐसे, बिकॉज जहाँ पर भी मैं भी करियर गाइडेंस के लेक्चर लेता हूँ, सो हम लोग भी शॉक में रहते कि स्टूडेंट्स को आज की तारीख में भी, जैसे आपने तेजिंदर जी को बताया कि आपके समय में कोई गाइडेंस नहीं था, तो रियली हमारे समय में कोई गाइडेंस नहीं था, बट आज जो बच्चे लोगों को गाइडेंस मिल रहा है और आज जितने स्कोप्स भी अवेलेबल है इंडिया में एजुकेशन में, सो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिससे उनको ये नॉलेज भी मिल रहा है। एंड ये हम लोग, जैसे तेजिंदर जी ने बताया कि हम लोग 36 विधानसभा में टिल दिसंबर या जनवरी, बिकॉज ये जो सेशन है, ये जो प्रोग्राम है, उसका महत्व एग्जाम के पहले ही होता है, बिकॉज इट मोटिवेट स्टूडेंट्स कि वो लोग भी ज्यादा पढ़ाई करें और अपना बढ़िया करियर बनाए। सो या ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तो किया गया, लेकिन जो बच्चों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच कर उन्होंने सुना, 3-4 घंटे वो यहाँ बैठे रहे, तो कितना ज्यादा और भी आपको उत्साह बढ़ता है इस तरह के प्रोग्राम लेना बहुत
यू नो, एक मुझे पता चला कि फर्स्ट प्रोग्राम चांदीवली विधानसभा में है एंड मुझे बताया गया था कि 600-700 स्टूडेंट्स तो मिनिमम आएंगे। तभी मुझे भी एक बार लगा था कि यू नो, एक 600-700 स्टूडेंट आएंगे कहाँ से, बट बिलीव मी पालेकर जी और भानुशाली जी ने जो मेहनत की एंड जो स्टूडेंट्स, मैंने आके क्राउड देखा कि आधे स्टूडेंट्स हॉल के बाहर बैठ के सेकेंड स्क्रीन में भी देख रहे थे। सो इट वॉज फैंटास्टिक रिस्पॉन्स, और अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा तो मुंबई के हर एक यूथ तक हम लोग पहुँच के उनको मोटिवेशन, गाइडेंस और जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग हमारे माध्यम की तरफ से। मैं आईटी इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर में हूँ, सेमेस्टर 6 चल रहा है मेरा अभी। सो ये सेमिनार बता रहा था कि 12th के बाद या फिर 10th के बाद किसी बच्चे को या किसको क्या कितना आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना चाहिए। सो इधर ये बहुत सारे डिस्कशंस हुई और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि मतलब अगर सपोज आप एक्स वाई जेड पर्सन हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कैसे बात करोगे? अगर हम दोनों किसी मीटिंग में है देन मुझे घड़ी नहीं देखना है, वो एक थिंग है। मैं घड़ी देख रहा हूँ मतलब मेरा आप में इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। सो ये सब चीज़ें, आपका बात करने का तरीका, जैसे मैं फॉर्म पढ़ा हूँ स्ट्रेट, मेरा सीधा ध्यान है, सो दैट्स द थिंग। सो ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को बताई गई थी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बोला गया था। तो दिस अदर थिंग, इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी कैसे है कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, बहुत सारे 10th 12th बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे 9th स्टैंडर्ड वाले भी थे कि उनको पहले से एडवांस में उनको पता चल रहा था कि हाँ 10th क्लियर हो जाएगा तो मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ऐसे बहुत सारे सेमिनार हो सकते थे, बट आज नीडी जिन लोग जरूरत थे वो सारे स्टूडेंट आए थे। आपको लगता है इस तरह के मोटिवेशन स्पीच ऑर्गेनाइज करना और आगे होना चाहिए? तुमने आज क्या कुछ सुना है मोटिवेशन स्पीच से? हम लोग बहुत अच्छा लगा, 10th के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। थैंक यू।